हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेलिस सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो वीडियो को टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि मेरी इतनी ज़्यादा खुशी का जो है वो रीज़न क्या है। तो फाइनली हमारी फैमिली ने 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड ये जो है वो लाइक एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। एंड इस अचीवमेंट का जो सारे ही क्रेडिट है वो मैं आप सारे ही व्यूअर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप जो है वो इतना सारा सपोर्ट ना दिखाते तो शायद जो है वो हमारी फैमिली आज यहाँ तक ना पहुँची होती। एंड आज की वीडियो भी जो है वो मेनली इसी बारे में है कि कैसे जो है वो मैं 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक पहुँचा, कैसी रही मेरी जर्नी। एंड कोई भी इनिशियल जो यूट्यूबर इनिशियल टाइम में आता है तो बहुत सारी जो है उसे दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, तो आज मैं भी इसी के बारे में बात करूँगा, क्या क्या मैंने दिक्कतें फेस की एंड कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला। तो जो भी जो है वो इनिशियल यूट्यूबर्स या फिर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जर्नी स्टार्ट कब हुई। तो 2020 के मार्च के महीने में मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म ही होने वाले थे, लास्ट के 2-3 पेपर्स जो है वो बचे थे। तो मैंने उस टाइम सोचा कि भाई अब जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स के बाद बहुत ही लंबा वेकेशन था 2-3 महीने का, तो मैंने सोचा कि भाई टाइम पास के लिए जो है वो यूट्यूब शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो है वो यूट्यूब पे आ रहे थे, नए नए लोग आ रहे थे, नए नए चैनल्स देख रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ भाई चलो यूट्यूब जो है वो शुरू कर देते हैं। एंड उस टाइम पे जो है वो मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना मेरा शुरू हो गया था एंड मैं कार्स और बाइक्स के बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा जो है वो कार्स एंड बाइक्स का कंटेंट कंज्यूम करता था। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही खेल खेल में जो है वो यूट्यूब शुरू कर दिया एंड मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की। अब मेरी एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे बहुत हाई थी, तो मुझे लगा कि भाई मेरे जो है वो 2-3 वीडियोस अपलोड करके ही उसमें ही जो है वो 1000 व्यूज आ जाएंगे, बट आप सभी को पता है कि ऐसा यूट्यूब पे कभी होता ही नहीं है। तो मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की, मुझे जो है वो लाइक 0 रिजल्ट्स दिखे, ना तो नेचुरली कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहा था, जो व्यूज आ रहे थे वो भी मेरे खुद के ही थे। तो ऐसे में जो है वो लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया एंड मैंने सोचा कि भाई चलो छोड़ो इस यूट्यूब को, इससे जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे में मैंने जो है वो फिर से 15-20 दिन का ब्रेक लिया एंड उसके बाद लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने जो है वो ऐसे ही फिर से यूट्यूब शुरू कर दिया था। बट इस बार क्या था कि क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई जो है वो एकदम ही फ्री था, तो ऐसे ही मेरा हाल था, कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो मैं जो है वो डेली वीडियोस डालना शुरू कर दिया। एंड उस टाइम पे जो वीडियोस डालता था उनकी क्वालिटी होती थी 360 पिक्सल्स या फिर 480 पिक्सल्स, और वो भी कई बार स्लाइड शो की वीडियोस डाल रहा हूँ, कई बार जो है वो वॉइस ओवर करके डाल रहा हूँ एंड वीडियो की क्वालिटी में भी जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता था। तो ऐसे मैंने डेली वीडियोस कर करके जो है वो ऑलमोस्ट 120 वीडियो अपलोड कर दी। अब क्योंकि लॉकडाउन में खेल खेल में चीज़ें हो रही थी तो कुछ समझ आया नहीं, तो 120 वीडियोस ऐसे डेली ही जो है वो मैंने अपलोड कर दी। एंड बाद में जो है वो लाइक मैंने सोचा कि हाँ भाई अभी 120 वीडियोस हो गई है तो थोड़े बहुत तो रिजल्ट्स दिखेंगे, बट हुआ क्या, फिर से अगेन वही कि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। हालांकि रिजल्ट्स थे, थोड़े बहुत थे, पर जितने होने चाहिए उतने नहीं थे। एंड ऑलमोस्ट 6 महीने में 120 वीडियोस अपलोड करने के बाद भी जो है वो मुझे 100 सब्सक्राइबर नहीं मिले, यानी कि हाँ मुझे जो है वो 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। तो ऐसे में मैं जो है वो फिर से डीमोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि भाई अब क्या ही होगा, अब तो यूट्यूब जो है वो ख़त्म हो गया, अब जो है वो इसमें मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगेन मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, फिर से वीडियोस डालना बंद एंड ले लिया बहुत ही लंबा ब्रेक। तो ऐसे में क्योंकि 100 ही सब्सक्राइबर बढ़े थे 120 वीडियो डालने के बाद, तो मुझे लगा कि भाई अब यूट्यूब से जो है वो ज़्यादा कुछ मेरा नहीं होगा। तो मैंने जो है वो क्या किया कि भाई चलो अब यूट्यूब को छोड़ देते हैं एंड ऐसे ही 15-20 दिन तक कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की। एंड 15-20 दिन के बाद अचानक मैं YT स्टूडियो खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो एक वीडियो थी उसमें मुझे 10 से 12 हज़ार व्यूज़ जो है वो मिले हैं। एंड वो वीडियो थी महिंद्रा थार वर्सेस महिंद्रा स्कॉर्पियो की कंपैरिजन। तो ऐसे में जो है वो मैंने सेम टॉपिक पे
फिर से वही वीडियो बनाई, यानी कि सेम टॉपिक पे थोड़ा सा अपडेट करके जो है वो फिर से वही वीडियो को अपलोड किया। तो ऐसे में फिर से वही टॉपिक पे वीडियो बने, फिर से मुझे 10-12 हज़ार व्यूज मिल गए। तो फिर मैंने जो है वो कंपैरिजन टाइप की वीडियोस बनाना शुरू किया, एंड वो कंपैरिजन टाइप की वीडियोस जो है वो चलना शुरू हो गई। हर एक वीडियो पे 1000-1200 व्यूज आते रहते थे, एंड मैं भी जो है वो कंपैरिजन की 50-60 वीडियोस अपलोड कर दी। बट बाद में जो है वो कंपैरिजन वीडियो से इतना ज़्यादा जो है वो लाइक अंदर से जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें भी जो है वो मैं क्वालिटी में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो फिर जो है वो मैंने कार के रिव्यूज वगैरह भी शुरू किए, एंड बाद में ऐसे ही जो है वो मेरी यूट्यूब की जर्नी जो है वो चलती रही। एंड रिसेंटली जो है वो मैंने मोटो ब्लॉगिंग की तरफ भी शिफ्ट किया, एंड ये कहते हुए बहुत प्राउड होता है कि मेरा जो एक सपना था इंडिया का यंगेस्ट मोटो ब्लॉगर बनने का, वो सपना भी जो है वो यूट्यूब ने पूरा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, एंड फाइनली हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, एंड 4000 घंटे का जो वॉच टाइम करना होता है वो भी जो है वो लाइक आज से 6-8 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो है वो लाइक थोड़े से YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड थोड़ी सी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का जो एडवांटेज है वो भी मुझे मिलता है, एंड इस सारी ही चीज़ों के लिए जो है वो फिर से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।